सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पर। दोस्तों आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बिना समय का वह चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों मैं आप बताने वाला हूँ यहाँ पे, ये देखिए हमारे फ्री DTH के कार्ड हमने यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है। ये सप्लाई है, ये पुरानी मॉडल एकदम पुरानी सप्लाई है, ये हमारे एक कार्ड है। आज मैं इस रिलेटेड कुछ जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो जब हमारे डिस में हमारे नो सिग्नल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो हमें चेक करना होता है हमारे डिस से प्रॉब्लम है, हमारे सेक्टर बॉक्स से प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हमारे डिस से प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको बता दूँ, कभी कभी हमारा LNB भी खराब होता है। अगर हमारा LNB ठीक है, आपने LNB को चेंज कर लिया है, उसके बाद जो हमारी TV की स्क्रीन है उस पर क्या आ रहा है, जो हमारी इंटेंसिटी है वो भी जीरो आ रही है और सिग्नल भी हमारे जीरो आ रहा है। तो कन्फर्म कैसे करेंगे क्या प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे हो सकती है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाई स्टेप कैसे हमको यहाँ पे चेक करना है, क्या सर्किट हमारे यहाँ पे पूरा बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा एक कार्ड है, मैं इसको चेक करके बताता हूँ किस कंडीशन में क्या होता है। जब हम कनेक्टर को कसते हैं तो ये हमारा कनेक्टर यहाँ से क्या ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। उस कंडीशन में नो इंटेंसिटी नो सिग्नल की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, 0% सब कुछ देखने को अपने में मिलता है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर ये हमारा ठीक है फिर भी हमारी जो नो सिग्नल की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को रखना है हमने कंटिन्यूटी मोड पर, और कंटिन्यूटी मोड पर रखने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए मैं एक बार चेक करता हूँ वहाँ पे, देखिए मैं मल्टीमीटर बीप दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ आपको, जो हमारे पॉजिटिव होता है इसका DTH कार्ड का पॉजिटिव कनेक्शन होता है, उसको पॉजिटिव प्रॉप रखेंगे और उसको मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करूँगा, इसको ट्रेस करूँगा। तो इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये लाइनें यहाँ से होती है इसके पास, इसके फिल्टर से फिल्टर होने के बाद, ठीक है, इसके बाद सीधी हमारी M7 डायोड लगा हुआ है इसके पास आती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, ये हमारा M7 डायोड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे, ठीक है, ये हमारा M7 डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे इसका नेगेटिव सिरा, यहाँ पे हमारा जब पॉजिटिव करंट इधर साइड से जाएगा तो इसमें क्रॉस करेगा, पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव करंट यहाँ पे पहुँच जाता है, अब यहाँ तक हमारा करंट जो है वो प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। ये नया कार्ड टेस्टिंग करता रहा हूँ कैसे ट्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि देखिए इसके साथ जो हमारा कनेक्शन है वो हमारा इस ट्रांजिस्टर पे जा रहा है, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर का नंबर है 8550, ठीक है। एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग करने का काम करता है, जब हमारे सिग्नल्स आते हैं तो इसको सिग्नल को क्या करता है फिल्टर करके जो हमारे जो सर्किट को देना होता है जिसमें हमारे सिग्नल की इंटेंसिटी क्वालिटी शो करता है, तो ये हमारे M7 डायोड के द्वारा यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे हमारा भेजता है, ये स्विचिंग का काम करता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट अगर कंप्लीट है, यहाँ तक हमारे सिग्नल आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमारी अवस्था या IC हमारी ख़राब हो चुकी है, तो ये चेक करना होता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी अंदर कार्ड से निकाल कर। तो दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था, अगर डायरेक्ट हमारी इंटेंसिटी जो जीरो से हो रही है अगर स्क्रीन पे और सिग्नल भी 0% हो रहे हैं, सो इस कंडीशन में हमारे यहाँ तो ये ब्रेक होता है या फिर हमारा सर्किट ब्रेक होता है, तो कोई हमारे जो डायोड है डायोड हमारा ओपन हो जाता है। वरना क्या होता है यहाँ पे कि हमारी जो लाइन्स में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई है वो हमारी ख़राब हो जाती है, PF शॉर्ट हो जाता है, उसकी वजह से लाइन में शॉर्टिंग देखने को मिलती है, तो हमारा मीटर भी बार बार जो सिग्नल का वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। बस इसी वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता था, वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज इन्फॉर्मेशन फुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारे चैनल पर हर प्रकार से रिलेटेड जो रिपेयरिंग की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।